आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो कि 2.5 है, सॉरी 2.5 है, और इसमें हमने पढ़ना क्या है एक्सरसाइज 2.5 में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, मरीजों वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर 2 का नाम क्या है? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर 2 का नाम, इससे पहले हम जो नंबर पढ़ के आए थे वो सारे रियल नंबर थे, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ी दुनिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आते हैं और इमेजिनरी नंबर भी आते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? देखिए, पहले लोगों का ख्याल था कि हम जो 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5 बोल रहे हैं ये नंबर काफ़ी है, ये नंबर क्या है? काफ़ी है, ये समझ गए। लेकिन बाद में उनको समझ आ गया कि और नंबरों की भी ज़रूरत होती है जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर वो वाले नंबर होंगे जिनको ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे। आयोटा आपकी ज़िंदगी में एक नई चीज़ आ गई, ये आई लिखते ये आयोटा होता है। क्या होता है ये? आयोटा। ये आई क्या है जी? आयोटा, ठीक है, आयोटा। तो ये इसमें ए जो है वो रियल नंबर होगा और बी बी जो है वो इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? सम ऑफ रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर सम आप क्या बोलेंगे जी? सम ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी, यानी कि जो सम होता है, मजमुआ जो होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मजमुए को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। समझ आ गए कि नहीं? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मजमुए को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इमेजिनरी नंबर क्या होता है सर? हमें नहीं समझ आई, समझाए? हाँ, समझाता हूँ। देखिए, मसला कहाँ से हुआ साइंटिस्ट लोगों को या जो मैथमेटिशियंस थे कि हर एक का उनके पास आंसर आ जाता था, मतलब कैलकुलेटर में या उसमें हर एक चीज़ का आंसर आ जाता था। लेकिन कुछ ऐसे नंबर थे जिनका आंसर नहीं आता था। जैसे मैं कहूँ, उन्होंने कहा -3 क्या है? रियल नंबर है। रियल में कौन सा है? इंटीजर्स में आता है, नेगेटिव नंबर। उनको पता था कि अगर √2 करें, ये भी कैलकुलेटर से आंसर आता है। √2 करें तो क्या आता है? जब रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो होता है इमेजिनरी नंबर। अगर सारा बता दूं, रूट के अंदर क्या आ जाए? -2 आ जाए, तो ये होगा इमेजिनरी नंबर। इसका कैलकुलेटर करके चेक करना, इसका आंसर कैलकुलेटर के पास नहीं है, ये आएगा आपके पास इमेजिनरी। एक अपनी दुनिया आ गई। कौन सी दुनिया है? इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर्स। ये समझ नहीं आई मुझे लगता है। तो रियल नंबर को मसला था, मतलब रियल नंबर में तो कोई मसला नहीं था, बस इमेजिनरी के साथ था कि कुछ नंबर ऐसे थे जिनको मैथमेटिशियन से वो नहीं बता सकते। जिसे कोई रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, इसके अंदर -3 आ जाए या माइनस कुछ आ जाए, -5 आ जाए, इसका आंसर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा ये ऐसे नंबर हैं जिनको हम इमेजिनरी नाम देंगे, तो ख्याली, ठीक है, ख्याली। तो उन्होंने कहा कि जो ख्याली नंबर होंगे और जो रियल नंबर होंगे उनको उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। किसका नाम दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ जहन में बैठ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर तब बनेंगे जब रियल नंबर भी आ जाए साथ में कोई इमेजिनरी नंबर भी आ जाए, साथ में कोई इमेजिनरी नंबर भी आ जाए। उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे। अब देखना चाहिए कि कुछ मैं बताता हूँ कि कंजुगेट कैसे लिया जाता है, कंजुगेट कैसे लिया जाता है, ये चीज़ें मैं बताऊँगा। कोई एड कैसा किया जाता है? दो रियल नंबर है, मान लीजिए कोई रियल नंबर है, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर ए एक साथ में प्लस इमेजिनरी है, दोनों क्या बनाएंगे? दोनों क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे ना। मैं कहूँ 2 है प्लस 3 आयोटा है, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। 2 क्या है इसमें? रियल है। 3 क्या है? इमेजिनरी, इमेजिनरी।
थ्री तू रियल है जी, कैसे रिवाइज करी गई? अयोटा है, अयोटा की खुद की भी वैल्यू होती है, अयोटा की खुद की वैल्यू होती है। अगर जैसे था अयोटा होगा वो रियल नंबर होगा, वो इमेजिनरी होगा नंबर? किस अयोटा होगा वो इमेजिनरी होगा, अयोटा में जिसके साथ होगा वो इमेजिनरी होगा, जिसके साथ अयोटा नहीं होगा वो रियल होगा। सारे सी चीज होता है। अगर मैं कहूँ 2+√2 अयोटा, अब यहाँ पे ये रियल है और ये इमेजिनरी, ये क्या है? इमेजिनरी। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाए? कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। तो अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस कैसे करते हैं या माइनस कैसे करते हैं, इस चीज के ऊपर जरा हम बात करेंगे। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को प्लस कैसे किया जाता है, एडिशन। तो याद रखिए प्लस करने के लिए कि रियल नंबर को रियल के साथ प्लस करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपसे ये कहा जाएगा कि रियल नंबर्स को ऐड करो। 2.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? ऐड द व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए। तो कैसे ऐड करेंगे देखना। मैं कोई दो नंबर ले रहा हूं, पहला पार्ट में है 8+9 है उसका, 5+2 होता। अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कौन कौन से? एक 8+9 होता है, एक 5+2 होता है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, और इनको ऐड करना है। सादे सी चीज, इसको दो तरीकों से ऐड कर सकते हैं, ऊपर नीचे रख के ऐड करो या बीच में प्लस डाल के ऐड करो। ऊपर नीचे सा, ऊपर नीचे करे तो देख कैसे होगा, 8+9 होता, 5+2 होता। 9 और 2 11 11 11 पूरा लिखना, इधर कैरी नहीं करना। अच्छा, जिस तरह दूसरे ट्रिपल कैरी करते थे ना, वो नहीं करना, वो इधर लिख के उधर भेज दो तो गलत हो जाएगा। तो पूरा 11 अयोटा लिखते हैं, प्लस है तो प्लस उसी तरह लिखते हैं कि 8 और 5 13। ये इसका आंसर आ गया 13+11 अयोटा। इस तरह आप प्लस कर सकते हैं। एक प्लस करने का तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है? ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या होगा? बीच में प्लस लिखना है, इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 8+9 अयोटा कर दें, बीच में 5+2 अयोटा। एक तरीके ये भी प्लस करने का। अब कैसे प्लस करेंगे? 8 5 के साथ प्लस होगा, 8 ये किसके साथ प्लस होगा? 5 के साथ, यानी कि 8+5 हो जाएगा, +9+2 हो के बाहर बात नहीं है, यानी ये इसके साथ हो गया, इसने इसके साथ शादी कर ली, ठीक हो गया। 8 और 5 कितना होगा? 13, 13+9 और 2 11 होता। तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर, दोनों सही दिया आएगा, जो आपको पसंद लगे वही करना। तो ये एक पहला पार्ट था, इस तरह जो बाकी पार्ट है वो भी इसी तरह होते हैं, बाकी आपने खुद कर रहे हैं। मैं चौथा पार्ट कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा पार्ट है इसका, और तीसरा, ये दोनों ही पार्ट है, लेकिन दूसरा है सेम इसी तरह ही होगा, इसी तरह ही होगा सेम, दूसरा इसी तरह। दूसरा क्या है उसको मैं करवाता हूँ, देख डायरेक्ट करें, 6+3 होता, 3-5 होता, इस तरह का, इस तरह प्लस करो, मुझे लगता है आपको आसान लगेगा। -5+3 -2 होता, +3 होता, -2 होता, सही। -5+2 कितना होता है? -2। तो -2 होगा, 6 और 3 9 -2 होगा, जिसका आंसर आ गया जी। अच्छा, तो इसका आंसर ये है, बात समझ आ गई कि नहीं? कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट। सर जी, पहले एयोटा में माइनस किया और इसमें प्लस किया, प्लस ही हो रहे हैं लेकिन साइन माइनस है ना, इसमें बड़े के साथ माइनस है। अगर मैं कहूँ इन दोनों को प्लस करो, -5+2 करो, तो आप कैसे करेंगे? है तो प्लस ही है, अगर माइनस करते तो फिर साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस करते तो फिर साइन चेंज हो जाता है, इसी तरह -3 आता है। खैर वहाँ पे वो आ गए 2 आ गए, क्योंकि -5+3 इसकी बात समझ आई थी। तो ये हमारे पास था ऐड करना कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 कैसे होगा, इसके ऊपर बात करते हैं।
हाँ फोर कर देते हैं। अच्छा खाली जो आयोटा है वो किसके इक्वल होता है? माइनस वन के, अंडर रूट माइनस वन। आयोटा एक एमसीक्यू आता है आपके पास, अगर कहें खाली आयोटा किसके इक्वल होता है? खाली आयोटा है अंडर रूट माइनस वन के इक्वल होता है, अंडर रूट माइनस वन के, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन के, इसकी वैल्यू ये होती है आयोटा की। अगर कहीं थ्री आयोटा लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होता है? थ्री माइनस वन होता है, अंडर रूट माइनस वन। कहीं पे फाइव आयोटा लिखा हुआ तो उसका क्या मतलब होगा? फाइव माइनस वन, इसका यही मतलब होता है। वो ये चीज लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं? बना दिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर है, रूट थ्री प्लस रूट टू आयोटा और थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट टू आयोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें ये कैसे करेंगे। ऊपर नीचे रख के करते हैं, देखें रूट थ्री प्लस रूट टू आयोटा, आयोटा बाहर है ध्यान करना, आयोटा रूट से बाहर है, थ्री रूट थ्री प्लस नहीं माइनस माइनस टू रूट टू आयोटा होता है। अब कभी भी ऐसा नहीं करना, इसको इसके नीचे नहीं लिखना, यानी इसको इसी के नीचे लिखेंगे, जिसे आयोटा है उसको ऊपर नीचे, आयोटा के बगैर उनको ऊपर नीचे, समझ आई कि नहीं? अब देखें ये थ्री रूट थ्री आयोटा है, ये कुछ भी नहीं है, तो क्या है? वन रूट थ्री आयोटा है। वन रूट थ्री और थ्री रूट थ्री कितना होगा? फोर रूट थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा? फोर रूट थ्री हो जाएगा, ये बात समझ आ रही है? हाँ देखो ये थ्री थ्री सिक्स क्यों नहीं किया सर, क्वेश्चन आता है थ्री थ्री सिक्स क्यों नहीं किया, बनता है ना सिक्स होना चाहिए क्योंकि प्लस कर दे, ये हम कॉमन ले सकते हैं, या कॉमन लेके समझ आए या दूसरी तरह इसको समझो। अब देखें रूट थ्री रूट थ्री है, अब यहाँ से आपने रूट थ्री रूट थ्री दो दो है, अब देखें ऐसे जैसे समझ लीजिए मैंने सिक्स क्यों नहीं लिखा, एक दफा रूट खाली रूट थ्री है ना, एक दफा थ्री रूट थ्री है, ये कैसे आप लिख रहे हैं कि फोर रूट थ्री लिखते हैं, ये सिक्स रूट थ्री होना चाहिए कैसे? अब देखें इसके पास कुछ नहीं, क्या है? वन है, वन है, तो ये इसको भूल जाए, ये अंदर सेम है ना, जब भी रूट के अंदर सेम होगा उनको एक ही समझना, एक ही समझना, ठीक है? रूट के अंदर हो एक हो तो प्लस में एक समझना, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना होता है, जब प्लस कर रहे हो तो एक ही समझना, तो वन और थ्री कितना हो जाएगा? फोर, फोर इनको एक ही समझा था ना, फोर रूट थ्री कॉमन लेके, ठीक है? असल में कॉमन लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है तब ये बनता है, कॉमन ले तो क्या होगा, रूट थ्री इसके पास भी है इसके पास भी है, तो बाहर निकाले, बाहर निकाला हमने रूट थ्री, वन प्लस थ्री हो गया, बात समझ आया कि नहीं? वन जे वाला और थ्री जे वाला, तो रूट थ्री ये कितना होगा? फोर, फोर रूट थ्री, ये आंसर आ गई। नहीं ये इनका आंसर है, अब ये क्या हो जाएगा, वन और इसको क्या लिख सकते हैं? फोर रूट थ्री, इस चीज को समझ आ गई कि नहीं? अब देखें रूट टू रूट टू, अब इसका भी यही सीन करना है, वन लगाएंगे ना, इसके साथ प्लस वन है ना, प्लस वन है, ये है माइनस टू प्लस वन, कितना होता है? माइनस वन, तो माइनस वन रूट टू आयोटा, ऐसा करेंगे, फोर नहीं करना, टू टू फोर, मैंने कहा प्लस में जब दोनों के पास हो तो एक एक समझना, दोनों के पास होगा तो एक समझना, इस तरीके का आंसर आ गया, बात समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन नंबर वन था जो हमने कर लिया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू भी है, जरा